मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए हम आ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैट के डाइपोल मोमेंट की सीरीज नंबर टू में। बेसिकली हम लोग पिछले वीडियो में डाइपोल मोमेंट के बारे में हमने बहुत सारा डिटेल एनालिसिस किया था, जिसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है आपका। फिर आगे चल के हमने देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे विथ हेल्प ऑफ पोटेंशियल, और उसमें हम लोगों ने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज किया था। पहले हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके सेंटर ऑफ डाइपोल से किसी आर दूरी पर थीटा एंगल पे हमने पोटेंशियल निकाला था। देन आफ्टर पोटेंशियल का यूज करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था, और फिर लास्ट में हमने जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चंस को देखा था जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बेस पे था। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग कुछ डाइपोल मोमेंट में आगे कुछ बढ़ते हैं, और आगे हम आज करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया हो और जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया हो तब डाइपोल पे क्या असर पड़ेगा और उसका क्या क्या प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है, इस पे हम बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज हमारे लिए कि जब हमारा डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो हमको क्या क्या देखना हो, तो केस हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख दिया जाए तो उस पर नेट फोर्स कितना आएगा, उस पर टॉर्क कितना आएगा, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना लिख सकते हैं या फिर उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना लिख सकते हैं, इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसा है कि रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, और कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देख सकते हैं कि इन लाइंस के बीच का सेपरेशन कॉन्स्टेंट है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लेट से इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल को रख दिया, और आप सबको पता होगा कि डाइपोल क्या है भाई, टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज एट अ वेरी स्मॉल सेपरेशन। तो ये हमारा डाइपोल सिस्टम हो गया, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, और आपको पता है कि इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, तो दिस इज द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर को हम लिखते हैं माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। अभी हमारे सिचुएशन में लेट से डाइपोल मोमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ एक एंगल क्रिएट कर रहा है, दैट इज थीटा। तो मुझे देखना है कि इस डाइपोल को जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होगा, इस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात कि हम बात करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट फोर्स कितना आएगा। तो सर नेट फोर्स कैसे देखेंगे, भाई देखो बेसिक चीज ये है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के मिलने से बना है, और इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो प्लस क्यू चार्ज जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, इस प्लस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग एक फोर्स लगेगा, एंड दैट इज क्यूई। मैग्नीट्यूड वाइज लिख सकते हैं क्यूई, और डायरेक्शन किधर होगा, प्लस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। उसी समय अगर मैं माइनस क्यू की बात करूं तो माइनस क्यू पे भी फोर्स लगेगा, और वैल्यू तो क्यूई ही होगा, लेकिन डायरेक्शन बच्चे जानते हैं कि डायरेक्शन किधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट। अब पूरे सिस्टम को अगर देखा गया तो हम आराम से देख सकते हैं कि नेट फोर्स जो सर डाइपोल पे आ रहा है वो हमारा क्या है, जीरो है, क्योंकि क्यूवी फोर्स प्लस क्यू चार्ज पे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्यूवी फोर्स माइनस क्यू चार्ज पे इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरे सिस्टम की बात करें तो पूरे सिस्टम के ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है। इट मीन्स व्हेनेवर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल इज जीरो। तो ये तो हो गया। अच्छा, एक चीज यहां से गौर करें कि ठीक है नेट फोर्स तो सर जीरो हो गया, लेकिन इस सिस्टम की बात करें तो दो हमारे फोर्स हैं, और दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि अगर मैं इस डाइपोल के सेंटर को अगर यहां पे मैं रेफरेंस पॉइंट मानूं, तो इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखा गया, अगर देखा जाए
इन दोनों फोर्स का अच्छा खासा टॉर्क आ रहा है, और अभी के सिचुएशन से देख सकते हैं कि इस क्यूवी फोर्स का टॉर्क भी हमारा कहीं जा रहा है क्लॉकवाइज है, और इस क्यूवी का भी टॉर्क किधर है क्लॉकवाइज है, यानी इन दोनों चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उन दोनों फोर्स का एक नेट टॉर्क बन रहा है विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ डाइपोल। और बहुत इजी तरीके से हम इस टॉर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो चलिए हम बात करते हैं एक्चुअल में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स देख सकते हैं, तो ये एक्सटेंडेड लाइन है जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फोर्स क्यूवी है प्लस क्यू वाला, और ये क्यूवी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये रहा। इनके बीच का सेंटर से मतलब डाइपोल के सेंटर से लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम मान लेते हैं कि डाइपोल में दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी है। अब बच्चे देख सकते हैं कि अगर माइनस क्यू से प्लस क्यू का डिस्टेंस अगर डी है तो ये डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर है लाइन ऑफ एक्शन पे, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों का वैल्यू सेंटर के रेस्पेक्ट में सेम हो जाएगा, कितना, तो डी बाई टू साइन थीटा, डी बाई टू साइन थीटा। हम टॉर्क निकाल सकते हैं, टॉर्क कितना लिख सकते हैं भाई, तो नेट टॉर्क की बात करें अगर मैग्नीट्यूड वाइज कर रहे हैं तो क्यूवी इंटू डी बाई टू साइन थीटा प्लस क्यूवी इंटू डी बाई टू साइन थीटा, क्योंकि दोनों पे लगने वाला टॉर्क का सेंस सपोर्टिव है, यानी ये अभी डाइपोल को विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ये अच्छा खासा क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोवाइड करेगा। तो नेट टॉर्क कितना लिख सकते हैं, तो क्यूवी इंटू डी बाई टू साइन थीटा प्लस क्यूवी इंटू डी बाई टू साइन थीटा, यानी यहां से ये हमारा आ जाएगा क्यूई डी साइन थीटा, क्यूई डी साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं कि इस डाइपोल सिस्टम पे जो नेट टॉर्क आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ डाइपोल ये कितना आ रहा है क्यूई डी साइन थीटा। क्यू इंटू डी को बच्चे डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं, तो इस नेट टॉर्क का वैल्यू अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, ये मिल गया अपने को इस डाइपोल पे लगने वाला नेट टॉर्क का मैग्नीट्यूड, पीई साइन थीटा। अच्छा, डाइपोल पे जो लग रहा है वो एक टॉर्क है, और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सियल वेक्टर है। भैया इसका डायरेक्शन अगर लिखना है तो हम चाहें तो इस इक्वेशन को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं लिख सकता हूं टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, क्योंकि अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आता है, ए बी साइन थीटा। तो देख सकते हो टॉर्क का अगर मैग्नीट्यूड मुझे लिखना है तो क्या आएगा, पीई साइन थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट, समझ में रखना है कि थीटा क्या है, थीटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एंगल है, के बीच का एंगल है, पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल है हमारा थीटा। डायरेक्शन की बात करें तो राइट हैंड थंब रूल, चारों उंगली रखेंगे पी की तरफ, कर्ल करेंगे ई की तरफ, जो थंब होगा वो हमारा डायरेक्शन देगा किसका, टॉर्क का। जैसे हमारे इस सिचुएशन में अगर टॉर्क के डायरेक्शन की बात करें तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी, और आना इधर है तो ये नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, देखो पी क्रॉस ई, यानी अभी के सिचुएशन में टॉर्क जो है हमारा इनटू द प्लेन जा रहा है। तो डायरेक्शन वाइज भी हम लिख सकते हैं और मैग्नीट्यूड वाइज, तो पी ई साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर मान लीजिए कि डाइपोल मोमेंट, जो डाइपोल है आपका उसका डाइपोल मोमेंट आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता है, समहाउ अगर हम ये माने कि उस जो डाइपोल बना है, जो फिजिकल डाइपोल सिस्टम है, उसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्सिया अपने को पता हो, सपोज करें कि भाई उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई गिवेन हो, अगर मोमेंट ऑफ इनर्सिया पता है अच्छा खासा टॉर्क लग रहा है जिसके कारण वो डाइपोल सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या करना शुरू करेगा, रोटेट करना शुरू करेगा, तो उस पे हम क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें, हम कहें कि इफ आई इज मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल अबाउट इट्स सेंटर, अगर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर मोमेंट ऑफ इनर्सिया अपने को गिवन है आई, तो हम आसानी से उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो
हम सिंपली यहां पे एक बार फिर से देख लें कि हमने इस डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क कैलकुलेट कर लिया है। टॉर्क का वैल्यू सामने है पीई साइन थीटा, तो इस टॉर्क को हम लिख सकते हैं आई इंटू अल्फा। रोटेशन के डायनेमिक इक्वेशन का यूज करके जो सब लोग जानते होंगे, तो इजी वे में कह सकते हैं कि टॉर्क शुड बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा, और टॉर्क को हमने निकाला अभी पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो यहां से हम चाहें अल्फा को इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा भाई, पीई साइन थीटा डिवाइडेड बाई अल्फा। यहां से हम इस डाइपोल का एंगुलर एक्सेलरेशन डिसाइड कर सकते हैं। अब आप जेई एडवांस 2024 का पेपर अगर देखेंगे तो पेपर टू में डाइपोल के रोटेशन पे बेस्ड एक बड़ा सिंपल सवाल आपसे पूछा गया है, हम लोग अभी उस सवाल को डिस्कस करते हैं। अगर आपको डाइपोल पे टॉर्क लिखने आता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप इजी वे में उस सवाल को कर पाएंगे। तो सवाल क्या था, मुझे सवाल का कुछ फॉर्मेट याद है, मैं आप लोग से डिस्कस करना चाहूंगा। सवाल कुछ था इस साल 2024 जेई एडवांस का, वो कुछ ऐसा था, अपने पास एक स्फेरिकल सेल दिया हुआ है और इस स्फेरिकल सेल का जो रेडियस है वो कैपिटल आर पता है अपने को, और बोल रहा है कि इस स्फेरिकल सेल के सरफेस पर सिग्मा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव सिग्मा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब कह रहा है कि इस स्फेरिकल सेल के सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर एक शॉर्ट डाइपोल रखा हुआ है एट एंगल थीटा, एट एंगल थीटा, ऐसे इस स्फेरिकल सेल के सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर एक शॉर्ट डाइपोल रखा गया है जिसका डाइपोल मोमेंट है पी, थीटा एंगल पे रखा हुआ है, और इसको लेके क्वेश्चन क्रिएट किया गया है कि ये जो डाइपोल है ये ऑसिलेशन करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना बनेगा, और इस कितने स्मॉल आर के लिए ये कंडीशन फुलफिल होगा। ये एमसीक्यू मोर देन वन करेक्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर देखूं तो हम सिंपली ये सोच सकते हैं कि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है। बच्चों को ये पता है कि स्फेरिकल सेल के आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना बच्चों को आता है, ये गॉस लॉ का सिंपल एप्लीकेशन है, और इस स्फेरिकल सेल के कारण आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने आता है सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में एक डाइपोल रखा गया है। अब अगर डाइपोल रखा हुआ है थीटा एंगल पे तो हम डाइपोल पे टॉर्क लिख सकते हैं, और उस टॉर्क को हम देख सकते हैं कि अगर वो टॉर्क रिस्टोरिंग नेचर का है तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन करेगा। अब हम इस बात को आगे बढ़ा के देखते हैं कि सर हम इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिख सकते हैं। तो बच्चे जानते हैं कि स्फेरिकल सेल के द्वारा आउटसाइड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम ऐसे मान के लिख सकते हैं कि सारा का सारा चार्ज क्यू, मतलब इस स्फेरिकल सेल पे पड़ा हुआ सारा का सारा चार्ज कहाँ है, सेंटर पे है, और सेंटर पे है तो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हुए उसके कारण हम आउटसाइड पॉइंट पे आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। तो सर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो सिग्मा गिवेन है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। हमने क्यू की क्या लिया है, इस सेल पे मौजूद सारे चार्ज को ले लिया है के क्यू बाई आर स्क्वायर, हालांकि क्यू को सिग्मा में रिप्लेस करना होगा। तो बच्चे जानते हैं कि सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा को हम लिख सकते हैं टोटल क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इजी वे में लिख सकते हैं। तो यहां से हम क्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब लाके यहाँ वैल्यू रखेंगे तो सिग्मा के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को मिल जाएगा, के को भी लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का वैल्यू रखें तो ये आएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहां से हम देखें तो 4 पाई से 4 पाई समाप्त हो रहा है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ रहा है, वो आ रहा है सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया,
उस डाइपोल के लोकेशन पे किसके कारण, इस स्फेरिकल सेल के कारण, इस स्फेरिकल सेल के कारण जिसके सरफेस पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। अब अगर ये है तो हम ये देख सकते हैं कि सर इस डाइपोल पे लगने वाला जो टॉर्क है वो टॉर्क कैसे लिखे सर, तो टॉर्क को अगर देखो तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो लिखी सकते हैं सर पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, अपने को पी पता है, ई पता है, थीटा पता है, इजी वे में लिख सकते हैं पी साइन थीटा। तो पी का वैल्यू पी, ई का वैल्यू वहां से लिख सकते हैं सिग्मा आर स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये आ गया अपने को टॉर्क का मैग्नीट्यूड। अब ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया, अब हमें ये देखना है कि ये टॉर्क क्या इस डाइपोल मोमेंट को जब रोटेशन प्रोवाइड करेगा तो क्या ये थीटा का वैल्यू बढ़ाएगा या घटाएगा, क्या इसको वापस लेके आएगा, क्या ये रिस्टोरिंग नेचर का है या नहीं है। तो अब बच्चे समझ सकते हैं कि अगर ये स्फेरिकल सेल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज का सेल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा। तो हम टॉर्क का डायरेक्शन अगर निकालना चाहें इजी वे में हम राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हैं कि पी क्रॉस ई मतलब टॉर्क वेक्टर जो आ रहा है आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, और सेंस की बात करें, रोटेशन के सेंस की बात करें तो आई थिंक ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो गिवन डायग्राम के अनुसार अगर देखो तो ये टॉर्क, ये जो डाइपोल अलाइन हुआ है थीटा पे, इसको वापस लाना चाहता है, वापस लाना चाहता है, क्या करना चाहता है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल लाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब कि ये जो टॉर्क है ये क्या करेगा, इस डाइपोल को रोटेट कराएगा, और चाहेगा ये टॉर्क चाहेगा कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल हो जाए। लेकिन जैसे ये डाइपोल में रोटेशन आया और जैसे ये उस पोजीशन को क्रॉस करना कर रहा होगा, इसके पास अच्छा खासा काइनेटिक एनर्जी होगा जिससे कि ये इस लोकेशन को क्रॉस कर जाएगा। तो जब ये क्रॉस करेगा तो टॉर्क जो है एंटी टॉर्क का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा जो वापस इसको घुमाने के लाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब कि ये थीटा का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता हुआ एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला ये क्या कैसा मोशन करेगा, SHM करेगा। और गिवन है कि थीटा बहुत छोटा है, तो बच्चे जानते हैं कि अगर थीटा बहुत छोटा है, थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर ये थीटा बहुत छोटा है तो हम आसानी के साथ साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट हम थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो यहां से टॉर्क का जो वैल्यू आया वो हमारा आ जाएगा पी सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर इंटू थीटा। और ये टॉर्क रिस्टोरिंग नेचर का है, हमने मैग्नीट्यूड में लिखा है, चाहे तो डायरेक्शन के साथ माइनस लगा सकते हैं, मैं माइनस को स्किप कर रहा हूं क्योंकि हमने यहां सेंस बता दिया है कि ये जो टॉर्क है ये डाइपोल को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। किधर लाने की कोशिश कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट वेक्टर को पैरेलल करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए ये कैसा टॉर्क है, रीस्टोरिंग टॉर्क है। तो यहां से अपने को टॉर्क मिल गया। अब अगर अपने को टॉर्क मिल गया तो हम अगर हमने ये भी देखा कि ये स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए कैसा एंगुलर SHM करेगा, तो हम चाहें तो यहां से एंगुलर SHM का एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी डिसाइड कर सकते हैं, हम टाइम पीरियड भी डिसाइड कर सकते हैं, हम जो चाहे सो डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर मेरे को सपोज करो कि मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, उस SHM का एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो कैसे यूज करें, तो कैसे यूज करना है, तो टॉर्क शुड बी इक्वल टू आई अल्फा लिख सकते हैं। और टॉर्क का वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, यहाँ पे देख सकते हो पी सिग्मा आर स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर इंटू थीटा, मतलब पी सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहे हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं कि अल्फा को लिखा जा सकता है पी सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल स्क्वायर इंटू आई इंटू थीटा। तो
तो आप देख सकते हैं यहां से, इस इक्वेशन से आप देख पा रहे हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें तो हम जानते हैं एसएचएम का कंडीशन अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। मैंने बार बार बोला कि मैं माइनस साइन को स्किप कर रहा हूं क्योंकि हमने डायरेक्शन खुद ब खुद ऊपर देख लिया है। अगर इन दो इक्वेशन को आप कंपेयर कर रहे हैं तो यहां से आपको क्लियर दिख रहा है कि ओमेगा स्क्वायर के जगह पे क्या है सर, पी सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर इनटू मोमेंट ऑफ इनर्सिया। तो यहां से ओमेगा का वैल्यू अंडर रूट पी सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर इनटू मोमेंट ऑफ इनर्सिया। ये आ गया हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एंगुलर एसएचएम। तो कोई बच्चा चाहे तो टाइम पीरियड भी निकाल सकता है, टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। तो आई थिंक कि ये सवाल है, अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन था, तो उसमें दो आपके ऑप्शंस करेक्ट हो रहे थे। हाँ, एक ऑप्शन आपको और सोचना है, जो पहला ऑप्शन था एंगुलर फ्रिक्वेंसी तो हमने निकाल लिया। पहला ऑप्शन जो था वो ये था कि ये ऑसिलेशन करेगा जब स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा होगा, कोई भी फाइनाइट वैल्यू होगा। जाहिर सी बात है कि ये जो पॉइंट है ये इस सेल के बाहर होना चाहिए, सेल के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। सभी को पता है कि स्फेरिकल सेल के इंटरनल पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, जीरो होते हैं। यानी ये जो स्मॉल आर है इसका वैल्यू कैपिटल आर के तुलना में ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब ये पॉइंट सेल के आउटसाइड ही होना चाहिए। तो ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो एक ऑप्शन वहां से आपका सही हो रहा था और दूसरा ऑप्शन ये था कि आपको उस एंगुलर एसएचएम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिसाइड करना था। तो आई थिंक इस तरह से हम आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जेईई एडवांस में भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें अबाउट 60-70% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप अपने रेगुलर क्लासेस के दौरान टीचर से डिस्कस करते हैं, टीचर आपके क्लास में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस से आपसे सवाल पूछा जाता है। हाँ, ये जरूर है कि हर साल पेपर में 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा मैथमेटिकली टफ होते हैं, थोड़े चैलेंजिंग होते हैं, बट मेरा कहना है कि 70% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप इजी वे में टैकल कर सकते हैं अगर आपका मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग और फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप इजी वे में उनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने अभी अभी देखा कि जब हम किसी डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स हमारा जीरो आएगा, टॉर्क आएगा, एक फाइनाइट वैल्यू आएगा टॉर्क का, जिसका वैल्यू हमने निकालना सीखा। उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ रहा है पीई साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। तो ये हो गया। अब आगे बात करते हैं कि अगर सर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो तो क्या होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका वेरिएबल हो, मतलब पोजिशन के साथ अगर वेरी कर रहा हो, तब हम टॉर्क की बात क्या करेंगे, फोर्स की बात क्या करेंगे, तब क्या होगा, उसको चर्चा करते हैं। तो हमारे पास सेकेंड केस ये है कि डाइपोल को अब हम रख रहे हैं, डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो तो क्या होगा, फोर्स पे क्या बात करेंगे हम, उसको हम लोग एक बार सिचुएशन से देखते हैं। सपोज कीजिए इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन का फंक्शन है। लेट से ये पोजीशन का फंक्शन है, ये आर पे डिपेंड कर रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है। अब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर हम डाइपोल को रखते हैं तो हमारा काम है देखना कि क्या उस डाइपोल पे फोर्स आएगा या नहीं आएगा। तो लेट से कि हमने एक चार्ज माइनस क्यू को रखा और इससे dr दूरी पर, छोटा दूरी है, हमने एक प्लस क्यू चार्ज को रख दिया। ये दोनों सिस्टम मिलके एक डाइपोल बन गया। ये dr दूरी हमने माना है दोनों के बीच में, क्योंकि दूरी कम होता है इसलिए हमने dr के टर्म में ले लिया कि ये दूरी dr है।
तो ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू मिलके एक डाइपोल सिस्टम तैयार हो गया। अब मुझे देखना है कि सर क्या इस डाइपोल के ऊपर कोई नेट फोर्स आएगा या नहीं आएगा। तो बच्चे समझ सकते हैं कि भाई ये दो चार्ज का सिस्टम है, दो चार्ज का है, तो दो चार्ज है तो अगर आप देखो, सपोज करो कि ये जो माइनस क्यू है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई है, और यहाँ आके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया ई प्लस डी आर, चूंकि डी आर दूरी पे है। तो हम कहते हैं लेट से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस लोकेशन पे ई है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया ई प्लस डी, अंतर हो गया ई प्लस डी, डी आर से चेंज हुआ, ये पोजिशन चेंज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी थोड़ा चेंज हो गया। तो माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगेगा क्यू ई, लेकिन सर यही प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। अब बच्चे उसको लिख सकते हैं क्यू इंटू ई प्लस डी। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पोजिशन के साथ वेरी कर रहा है तो दोनों ही लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम नहीं है। अगर यहाँ पे ई का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई है तो मैंने माना कि यहाँ पे वैल्यू हो गया ई प्लस डी, क्योंकि पोजिशन डी आर से वेरी किया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी किया, तो प्लस क्यू पे जो फोर्स लगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगा क्यू इंटू ई प्लस डी, और माइनस क्यू पे जो फोर्स लगा वो लगा क्यू ई के बराबर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चे देख सकते हैं कि सर इस केस में तो नेट फोर्स जो है डाइपोल पे वो तो जीरो नहीं हो रहा है, वो कितना आ रहा है, आ रहा है क्यू टाइम्स ई प्लस डी ई माइनस क्यू ई। देख सकते हैं नेट फोर्स इस पे लगने वाला फोर्स माइनस इस पे लगने वाला फोर्स, अगर सॉल्व करें तो ये आ गया हमारा Q इंटू डी। ये आ गया इस डाइपोल पर लगने वाला नेट फोर्स। थोड़ा सा मैथमेटिकल मॉडल का यूज करते हैं और हम थोड़ा सा इसको ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं क्यू इंटू डी आर इंटू डी ई अपॉन डी आर। कोई अंतर नहीं है ऊपर वाले और नीचे वाले इक्वेशन में, चूंकि डी आर का वैल्यू बहुत कम है, हम शॉर्ट डाइपोल को ही पढ़ते हैं तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन जैसे इस इक्वेशन को ऐसे लिखा गया, बच्चा कह सकता है कि सर ये तो सामने हमको दिख रहा है कि ये क्या है भाई, ये क्या है, अगर इसको गौर से देखो तो ये क्या है, ये डाइपोल मोमेंट है और ये है क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू पोजिशन, यानी मेरा इस डाइपोल पे लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू आ रहा है पी इंटू डी ई अपॉन डी आर। तो यहां से हमने एक फॉर्मूला तैयार कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे बच्चे, इसको याद रखेंगे कि वेन एवर डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स इज नॉट जीरो, इट इज इक्वल टू पी इंटू डी अपॉन डी आर। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आर के साथ लिया है, यहाँ एक्स के साथ हो सकता है, वाई के साथ हो सकता है, जेड के साथ हो सकता है, पोजिशन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। तो इतना मैथ्स हमको आता है और बच्चों को आना चाहिए। तो हमने ये देखा कि जब किसी डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो पिछले केस की तरह जब हमने उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगने के कारण डाइपोल पे नेट फोर्स जीरो हो रहा था। अब जो है डाइपोल पे नेट फोर्स जीरो नहीं है, उसका वैल्यू है पी इंटू डी बाई डी आर। चलिए इसका यूज करके एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें क्वेश्चन हमारा क्या है, लेट से कि हमारे पास एक डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट पी वन है, और उसी लाइन पे आगे एक दूसरा डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट पी टू है। पी वन पी टू दो डाइपोल है, दोनों शॉर्ट डाइपोल है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है इसको हम आर मान लेते हैं। अच्छा सर दोनों के बीच के सेपरेशन का क्या मतलब है, दोनों के सेंटर से सेंटर का सेपरेशन वही मानेंगे, ऐसे भी डाइपोल शॉर्ट होता है तो दोनों चार्ज के बीच के सेपरेशन को हम हमेशा इग्नोर करके ही चलेंगे जब बात हो शॉर्ट डाइपोल की। तो सिचुएशन ये है कि हमारे पास दो शॉर्ट डाइपोल्स हैं जिनके डाइपोल मोमेंट्स आपको दिए गए हैं पी वन और पी टू, इनके बीच का सेपरेशन आर है, मुझे चाहिए कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स निकालना है, मुझे इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए। आपका सवाल है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दीज टू डाइपोल्स
बेसिकली हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ दो डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो हमें चाहिए कि एक डाइपोल दूसरे डाइपोल पे कितना फोर्स लगा रहा है और वो फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। तो इसको करने का तरीका क्या है हमारे पास, अभी हमने थियरी डेवलप किया, जस्ट हमने थियरी डेवलप किया, तो कैसे सोचेंगे, चलिए हम इसको सोचते हैं। अगर मैं पी टू को देखूं, मतलब सेकेंड डाइपोल को देखूं, तो सेकेंड डाइपोल के लोकेशन पे फर्स्ट डाइपोल का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और पिछले क्लास में हमने देखा कि ये जो सेकेंड डाइपोल का लोकेशन पॉइंट है वो फर्स्ट डाइपोल का एक्सियल लोकेशन है, जिस पॉइंट की दूरी हम आर मान सकते हैं क्योंकि पी टू शॉर्ट डाइपोल है। तो जहां पी टू पड़ा हुआ है उस जगह पे पी वन के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, क्योंकि वो डाइपोल मोमेंट पी वन के डायरेक्शन में होगा, इसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं 2K P1/R³। एक्सियल पॉइंट पे बच्चों को पता है कि डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है, जो एक्सप्रेशन है, वो आता है 2K P1/R³। तो मतलब कि जहां पे हमारा P2 पड़ा हुआ है सर, वहां पे P1 डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम लिख सकते हैं 2K P1/R³। अच्छा सर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, आर का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज कम हो रहा है। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में पी वन के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएबल है विथ पोजीशन, उस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा पी टू डाइपोल रखा हुआ है। इस सवाल को हम ऐसे सोच सकते हैं, या कोई बच्चा जाए कि सर पी टू को ही क्यों ले रहे हैं, क्या आप पी वन पे सोच सकते, एकदम सोच सकते हो, P1 के लोकेशन पे P2 का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो, और P2 के द्वारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी एक पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन है, उस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा P1 डाइपोल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम ऐसे कर ले या ऐसे कर ले, कूलम के नियम के अनुसार और न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार इनके बीच में लगने वाला फोर्स, म्यूचुअल फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट आएगा, वो हमको पहले से पता है। तो हम इसको ऐसे सोचते हैं कि P2 डाइपोल P1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और P1 के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो पोजीशन डिपेंडेंट है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो ठीक है सर, हमको फोर्स चाहिए, तो अगर मेरे को फोर्स चाहिए हम किस पे निकाल रहे हैं, P2 पे निकाल रहे हैं, किसके द्वारा, P1 के द्वारा निकाल रहे हैं। ये काम आप P1 पे भी कर सकते हैं P2 के द्वारा, आंसर सेम आएगा, फोर्स का डायरेक्शन बस अपोजिट आएगा। तो फोर्स हम निकालने जा रहे हैं P2 डाइपोल पे किसके द्वारा, P1 के द्वारा। तो कैसे लिखे सर, अभी अभी हमने पढ़ा कि डाइपोल का डाइपोल मोमेंट अगर P हो और वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन के साथ वेरी कर रहा हो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट इंटू डीई बाई डी। ठीक है, तो पी टू पे फोर्स निकालना है तो पी टू इंटू डीई अपॉन डी आर, बस डिफरेंशिएशन करना है, आंसर हमारे सामने आएगा d बाई डी आर, और e का वैल्यू यहां से रख देते हैं तो हमारा 2K P1/R³। अब ये तो बहुत सिंपल मैथ्स है भाई, इतना डिफरेंशिएशन तो आता ही है और आना ही चाहिए, तो P2 इंटू कॉन्स्टेंट 2K P1 भी बाहर आएगा, 1/R³ का डिफरेंशिएशन है, 1/R³ का डिफरेंशिएशन है, क्या होगा भाई, तो माइनस R³, 1/R³ का डिफरेंशिएशन है तो -3 बाहर आएगा, और -4 R का पावर -4, जिसको हम आराम से नीचे जाके R का पावर 4 लिख सकते हैं। अब इसको एक साथ इकट्ठा कर लीजिए तो जो नेट फोर्स का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है -6K P1 P2 डिवाइडेड बाई R का पावर 4, एंड दिस इज आवर आंसर। अगर ये फोर्स P1 लगा रहा है P2 पे, अब एक बार फोर्स के वैल्यू को देखो, फोर्स में माइनस टर्म आ रहा है, ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डाइपोल दूसरे डाइपोल को अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव है, यानी ये जो माइनस साइन है ये हमको ये बता रहा है कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो किस नेचर का है सर, वो अट्रैक्टिव नेचर का है। तो P1 के द्वारा P2 पे इतना फोर्स आया, आराम से आप अगर इसको रिवर्स कैलकुलेट करेंगे तो P2 के द्वारा P1 पे भी इतना ही फोर्स आएगा, जो न्यूटन के थर्ड लॉ से एस्टैब्लिश्ड है। तो दिस इज द वे वी ट्रीट अ डाइपोल प्रॉब्लम इन प्रेजेंस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई थिंक कि बच्चे अगर इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो
तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर कल के डेट में जेई एडवांस या जेई मेन में अगर डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रख देते हैं तो क्वेश्चंस को हम इजी वे में टैकल कर सकते हैं।